दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मुकेश कुमार स्वागत करते हैं आपको डोंट वरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज संडे है और संडे के दिन आपको मालूम है कि मैं पहले के जैसा कमेंट वाला वीडियो लाता हूं और कमेंट आपका पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई देता हूं। तो चलिए दोस्तों, इस संडे को भी वही कमेंट लेके आ गया हूं। आपने बहुत सारा कमेंट किया है यहां पे और जाहिर सी बात है कमेंट का रिप्लाई देना बहुत जरूरी है। ये वीडियो भी आपको अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला जो कमेंट है यहां पे किसने किया है, कौन मेरे भाई ने किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहां पे जो पहला कमेंट है यहां पे किए हैं फौजी का विजन, नाइस, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी हमारा वीडियो देखते हैं, थैंक यू वेरी मच सर, ऐसे ही प्यार बना रखिएगा और आप लोग को सैल्यूट है सर, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि दोस्त आप लोग ही वहां पे बॉर्डर पे हम लोग के लिए रक्षा करते हैं, हम लोग के लिए वहां पे रखा रहते हैं सर, थैंक यू सर, सैल्यूट है आपको, थैंक यू वेरी मच। आगे है दोस्तों, यहाँ पे वाल्वी है, मोती भाई है जो लिखते हैं कि आईडी कब तक ओपन होगा सर। सर वो प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया है, आपने देखा होगा अभी आपका जो है वो रिकवरी वाला ऑप्शन आ गया है, फॉर्म भी आप लोगों ने भर दिया होगा, तो बहुत जल्द ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। तो प्लीज आप थोड़ा अभी पेशेंस बना के रखिए, वेट कर लीजिए, बहुत जल्द हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का सर कमेंट करने के लिए यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट है वो है सुनील तिवारी जी का, जो लिखते हैं कि सर जी आप जैसे कोई मिला ही नहीं सर, आप तो हम सभी भाइयों के मसीहा हैं और सच्चे भारत में के लाडले हैं सर। अभी लॉगिन हुआ नहीं है सर, मालूम नहीं फॉर्म भर दिया है सर जी, ऑन होते कैसे करेंगे और केवाईसी कर लेंगे, बाकी आपका मार्गदर्शन हो रहा है सर, थैंक यू सर, जय हिंद। जय हिंद सुनील तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कमेंट करने के लिए, बहुत अच्छा यहाँ पे कमेंट आपने किया है सर, दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ऐसे ही कमेंट करते रहिए, प्यार बना रखिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और रही बात की आपका यहाँ पे जो केवाईसी है, बहुत जल्द सारा प्रोसेस हो जाएगा, बस पेशेंस अभी तक आपने बना के रखा है, अभी थोड़ा सा और बना लीजिए, वेट कर लीजिए, बहुत जल्द यहाँ पे सभी लोग का आईडी लॉगिन हो जाएगा और सब भाई यहाँ पे खुशी मनाएंगे फिर, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वाला जो कमेंट है वो है यहाँ पे श्रेया जी का है, जो लिखती है कि सर M91 विड्रॉ कब आएगा। श्रेया जी M91 विड्रॉ तो करीब करीब प्रोसेस चल रहा है, कुछ ना कुछ लोग विड्रॉ कर भी रहे हैं, अब रहा कि प्रॉपर ढंग से कब तक चालू होगा, तो कंपनी ने सितंबर का डेट दे रखा है, सितंबर आएगा तो उस समय ये प्रॉपर वे में अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट करेगा, हम लोग वहां पे ट्रेडिंग करेंगे, अर्निंग होगा पैसा, हम लोग जो प्लेटफॉर्म पे उस प्लेटफॉर्म पे जब हम अपने टोकन बेचेंगे, अर्निंग होगा, कमाई होगा, उस पैसा को हम विड्रॉ कर सकते हैं और बहुत जल्द वो पैसा अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। तो इंतजार कर लीजिए सितंबर तक। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी कमेंट करने के लिए, यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अशोक पवार जी हैं जो लिखते हैं कि सर मेरा आईडी लॉक है, मैं क्या करूं। कोई बात नहीं है सर, लॉक है तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है आपका, जो देखे होंगे यहाँ पे जो वो क्या बोलते हैं उसको, रिकवरी एक्सेस पे क्लिक हो गया है, वहां पे फॉर्म आ गया है, सभी लोग ने भर दिया है, उम्मीद करते हैं कि आपने भी वो कर दिया होगा और जो कोड आता है उस कोड को आपने सेव कर लिया होगा कहीं पे। तो प्रोसेस तो स्टार्ट है सर, बहुत जल्द सारा प्रोसेस हो जाएगा, तो प्लीज हमारा वीडियो देखते रहिए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सारा काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच अशोक पवार जी कमेंट करने के लिए। आगे सुप्रिया म्यूजिक है लव जो लिखती है कि वीडियो लाने के लिए थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आपका मैम कमेंट करने के लिए, ऐसे प्यार बना रखिए, कमेंट करते रहिए, तो थैंक यू वेरी मच आप तीनों को लेकर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला जो कमेंट है वो है रंजीत राय जी का, जो लिखते हैं कि जी हाँ सर 5 बिलियन क्या मोटिव, क्या इसका वीडियो जरूर बनाइएगा, आपका इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा दिया, थैंक यू सर। रंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं वीडियो लाऊंगा और मैं बताऊंगा कि 5 बिलियन सेल्स का क्या मोटिव है, जी हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो रहेगा, तो इंतजार कर लीजिए, हो सकता है मंडे या ट्यूजडे का वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका रंजीत जी, थैंक यू वेरी मच कमेंट करने के लिए। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट है वो है पीएन बिट्टू जी का, जो लिखते हैं कि सर जी बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं क्या। जी हाँ, डाउनलोड क्या, स्टेटमेंट तो डाउनलोड करना ही है, आपकी ईमेल आईडी पे भेज देता है आपका जो बैंक है, वहां से क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, अपलोड करना है, तो अपलोड देखिए हो सकता है यहाँ पूरा पीडीएफ को अपलोड नहीं करना है, सिर्फ मेन जो ऊपर का है मतलब स्टेटमेंट का ऊपर का जो मेन पेज है उसको फोटो खींचना है, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको अपलोड करना है, समझ गए। तो जब केवाईसी होगा तो उसका वीडियो बनाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा सारी बात है, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पीएन मिट्टू जी कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट हुआ मुकेश जी का है, जो लिखते हैं कि सर पैन कार्ड आईडी मांगेगा क्या।
सर ये आपके ऊपर निर्भर करता है, यहाँ पे वो सिर्फ आपका आईडी मांग रहा है, तो आईडी के लिए आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं और पैन कार्ड भी दे सकते हैं। पैन कार्ड आईडी के लिए ही चलेगा और आधार कार्ड भी सिर्फ आईडी के लिए ही चलेगा, एड्रेस के लिए दोस्तों यहाँ पे पूरा बिल मांग रहा है, यूटिलिटी बिल जैसा कि आपको मालूम है। तो आप दे सकते हैं, पैन कार्ड भी दे सकते हैं या फिर आधार कार्ड भी दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश जी कमेंट करने के लिए, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला जो कमेंट है लोकुश कुश जी का, जो लिखते हैं कि थैंक यू सर जानकारी देने के लिए, सर 5 बिलियन के उद्देश्य क्या है, इस सब्जेक्ट में वीडियो बनाइए। हाँ सर बिल्कुल बनाएंगे वीडियो, सर मंडे या ट्यूजडे की वीडियो अपलोड भी हो जाएगा, मैंने बोल भी दिया है। तो थैंक यू वेरी मच लोकुश कुश जी कमेंट करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट हुआ है सुप्रिया म्यूजिक लव जी का, जो लिखती है कि इलेक्ट्रिक बिल पापा के नाम से है और गैस बिल मम्मी के नाम से है। तो सुप्रिया जी कोई बात नहीं है, बैंक तो आपके नाम से होगा ना, तो बैंक का अपना स्टेटमेंट निकलवा लीजिए आप, वो तो आप करवा सकती हैं, बैंक में जाइए या फिर अगर आप ऑनलाइन काम करती हैं बैंक में, ऑनलाइन वर्क करती हैं, तो वहां पे आप अपना ईमेल आईडी पे भी मंगवा सकती हैं स्टेटमेंट को, तो जैसे आपकी सुविधा हो आप बैंक भी जा सकती हैं, तो अपना स्टेटमेंट मंगवा लीजिए, उससे अच्छा और क्या चाहिए। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुप्रिया जी कमेंट करने के लिए, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट है राहुल कुमार जी का, जो लिखते हैं कि सर मुझे नहीं पता है कि 5 बिलियन सेल क्या लिंक ज्वाइन हुआ था, बता दो सर किस लिंक से ज्वाइन हुआ था। राहुल जी देखिए किस लिंक से ज्वाइन हुआ था वो तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपको इतना तो मालूम होगा कि आपका यूजर आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, चलिए वो भी नहीं मालूम है तो आप अपना ईमेल आईडी चेक कर लीजिए। अपना ईमेल आईडी मान लेते हैं कि आपके मोबाइल में 2 या 3 ईमेल आईडी है, दोनों तीनों ईमेल आईडी में चेक कर लीजिए, 5 बिलियन सर्च लिख करके, 5 बिलियन सेल्स लिखिएगा सर्च करके, मैंने वीडियो बना दिया है ऑलरेडी उसका, तो लिखिएगा तो जिस ईमेल आईडी में वो आ जाएगा, तो जो पहला मैसेज होगा 5 बिलियन सर्च का, पहला नहीं दूसरा मैसेज, सेकंड मैसेज जब आपने ज्वाइन किया था उसके बाद जो मैसेज आया था वेलकम वाला, देखिएगा वहां पे आपका यूजर नेम लिखा होगा और आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा होगा, तो बस आपको तो उसी का जरूरत है, आपको लिंक से क्या मतलब है, उसको बस अपना नोट कर लीजिए और वो जो प्रोसेस आया है यहाँ पे रिकवरी एक्सेस पे वो कर लीजिए। ठीक है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी कमेंट करने के लिए, यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट है गोपाल प्रजापति जी का है, जो लिखते हैं कि आप जैसे कहेंगे हम वैसा करेंगे। सर अपने मन से तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो आपको क्यों कहेंगे वो करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल प्रजापति जी, और बिल्कुल आपने सही कहा, जो आपका अपलायन बोलता है पहले वो आप कर लीजिए, जो तक वो कुछ ना बोले आप मत कीजिए। इसी कारण से बहुत लोगों का आईडी ब्लॉक होने का चांस बढ़ गया है, लोग अपने से खुद से गलत डाल लेते हैं, गलत कर लेते हैं। पहले बातों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए। तो प्लीज सही आपने सोचा है, हम जो बोलते हैं वीडियो में लाते हैं उसके बाद ही करते हैं, अच्छा रहेगा। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल प्रजापति जी, थैंक यू वेरी मच कमेंट करने के लिए। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला जो कमेंट वो है ब्रजेश कुमार गौतम जी का, जो लिखते हैं कि थैंक यू वेरी मच सर, ये ऑप्शन अकाउंट में आज ही आया है, लेकिन इसकी फोटो शूट कर मैंने अपने अपलायंस को सेंड किया है और उनसे इसके विषय में जानकारी मांगी थी, लेकिन आपका YouTube पर वीडियो मिल गया, देखा और समझ गया, इसलिए आपका दिल से धन्यवाद ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच कि मेरा वीडियो से आपको फायदा हुआ है। तो भैया तो हमारा यही मकसद है, यही मिशन है कि हमारे वीडियो से आपको फायदा हो, क्योंकि आपको फायदा नहीं होगा तो वीडियो बनाने से क्या फायदा है। तो चलिए थैंक यू वेरी मच ब्रजेश जी, कमेंट करते रहिएगा और प्यार बना रखिए, थैंक यू। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला कमेंट है वो है ब्रिज दुनिया जी का, जो लिखते हैं कि सर 5 बिलियन सेल्स की पूरी टीम टूट गई, सबने अनइंस्टॉल कर दिया ब्राउजर। ब्रिज दुनिया मेरे भाई, जैसे ही पेमेंट आपको मिलेगा, आप जैसे ही शेयर करेंगे पेमेंट, सब टीम आपका आपके पास फोन करना स्टार्ट कर देगा, भैया हमको भी ज्वाइन करना है, हमको भी ये है वो है, हमको भी, देखिएगा ऐसा होगा। तो कम से कम आप जो है सुरक्षित रहिए, आप जो है मोटिवेट रहिए, आप प्रोसेस करते रहिए, जब पेमेंट आपको मिलेगा देखिएगा सारा टीम आपके पास आएगा, कहां जाएगा, आपके पास ही रहेगा वो। ठीक है सर, तो थैंक यू वेरी मच ब्रिज दुनिया जी, वेट कर लीजिए पेमेंट आएगा, बस उसी का तो इंतजार है सभी लोग का, थैंक यू वेरी मच कमेंट करने के लिए। आगे हैं गोविंद जी हैं, गोविंद महादेव जी हैं, जो लिखते हैं कि सर 191 से कितना विड्रॉ और कैसे कर सकते हैं। सर इसका कोई लिमिट है नहीं, अभी जो सिस्टम दिए हुए 191 वो क्या किया हुआ है कि आप जितना भी आपका रोवी टोकन है उसका मात्र 8% आप सेल कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जितना सेल कीजिएगा, जितना पैसा आपको मिलेगा उतना ही आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि मिनिमम 50 रुपया होगा तभी आप निकाल सकते हैं, तो उससे कम है तो आप यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, मिनिमम 50 रुपया, मैक्सिमम जितना है उतना निकाल सकते हैं। जब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो जाएगा सितंबर में, तब तो वहां पर जितना आप ट्रेडिंग कर सकते हैं ट्रेडिंग कीजिए, बेचिए रोवी टोकन को, पैसा लीजिए और बैंक में निकाल लीजिए। ठीक है सर,
तो थैंक यू वेरी मच गोविंद महतो भोई जी, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद कमेंट करने के लिए आप दोनों का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट है वो है सतीश ब्लॉग जी का, जो लिखते हैं कि M91 में 35 से 75 टोकन लिस्टिंग प्राइस कब तक आ जाएगा। सर देखिए, मैं बताया ना आपको कि जब तक ये सितंबर महीना नहीं आएगा, क्योंकि सितंबर में ही ये होने वाला है, तो जब ये पूरी तरह से चलना स्टार्ट हो जाएगा इसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, तो हो सकता है उस समय रेट आपका 35 से 75 रुपया एक टोकन का हो जाए, समझ गए। तो सितंबर तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सतीश बोलाओ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते दोस्तों, और जो कमेंट हुआ है कमलेश जी का है, जो लिखते हैं कि सर आईडी कब तक लॉगिन नहीं होगा, इसका कोई निश्चित टाइम है क्या? सर टाइम निश्चित किसी का नहीं है, क्योंकि कंपनी किसी को बोला है नहीं, तो मैं कैसे आपको बता सकता हूँ। हाँ, लेकिन प्रोसेस चल रहा है, 5 दिन 6 दिन 7 दिन यही टाइम लेता है, और इसी में वो प्रोसेस कर रहा है। जैसे कि देखिए, रिकवरी एक्सेस का ऑप्शन आया था, 5 दिन का टाइम लिया था, 6 या 7 दिन में हो गया, आया ना ऑप्शन, अभी फिर 7 दिन का टाइम लिया है, तो मान के चलिए कि 7 दिन के बाद आपका स्टेप 2 आएगा, स्टेप 2 में KYC हो सकता है ले, उस समय फिर आपका आईडी लॉगिन हो जाए, तो ये मात्र 7 दिन और वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमलेश जी कमेंट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट है AKGK202 जी का, जो लिखते हैं कि डिलीटेड आईडी वांट गेट रिकवर। यह बात सही है कि जो आईडी डिलीट हो गया है वो रिकवर होने का संभावना बहुत कम है, लेकिन कंपनी यहां देखेगी कि अगर डिलीटेड आईडी में कुछ ऐसा आईडी है जो सही बंदा है, जो मिस्टेक गलती नहीं किया है, जो महा गलती नहीं किया है, इन द सेंस उसने कोई फ्रॉड नहीं किया है, तो वो उसको वो चांस है कि फिर से आईडी उसको लॉगिन दे सकता है, उसको मतलब फाइव इलेंसर चालू कर सकता है, ठीक है ना जी। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन जो फ्रॉड किए हैं उनको तो बिल्कुल नहीं अलाउड है सर, आप उनको तो बिल्कुल सेट कर देगा। देखिए आगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच वैसे AKGK202 कमेंट करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। आगे दोस्तों, मंजीत यादव जी जो लिखते हैं कि सर आपकी YT स्टूडियो में पर डे कितना डॉलर बनता है। सर सच बताओ तो मेरा डेली का कम से कम 0.75 डॉलर, $1 से भी कम बनता है, क्लियर सर, समझ गए जी। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंजीत यादव जी कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे है रोहित चौरसिया जी जो लिखते हैं कि सर आईडी अनलॉक कब तक हो जाएगी। सर 7 दिन और वेट करना पड़ेगा, प्रोसेस तो आपने देख लिया होगा क्या प्रोसेस आया है यहाँ पे, 7 दिन का और टाइम लिया है, बस 7 दिन के बाद समझिए कि आपका आईडी चालू हो जाएगा। 25 अगस्त से पहले स्टार्ट करना है, क्योंकि 25 अगस्त को पेमेंट आने वाला है, ठीक है ना सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का यहाँ पे कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट है संजय कुमार साहू जी का, जो लिखते हैं कि रहमन धागा प्रेम का मत टूटे, क्या बोले हैं, मत तोड़ो चटकाए, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बिल्कुल सही इन्होंने बोला है दोस्त, प्रेम का जो धागा होता है ये इसी धागे की तरह होता है कि अगर उसको थोड़ा सा भी चटक जाता है, थोड़ा टूट जाता है, तो फिर उसमें जुड़ नहीं सकता है, अगर जुड़िएगा तो वो गांठ ही पड़ता है। तो इस जो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है दोस्त, ये कविता इन्होंने लिखा है यहाँ पे, ये बहुत ही जबरदस्त, इसका अगर अर्थ मैं बताऊँ तो बहुत सेंस में अर्थ निकलेगा, लेकिन आप लोग समझ जाइए, मुझे मालूम है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय कुमार साहू जी ये लिखने के लिए यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। आगे हैं BTS सनी SP लाइव जो लिखते हैं कि नाइस वीडियो एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच BTS सनी SP लाइव जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉमेंट, फॉर दिस कॉमेंट, एंड मैं आशा करता हूँ कि बस आप लोग यही तरक्की करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच कमेंट करने के लिए अगेन सभी लोगों को। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला जो कमेंट है वो है PN बिट्टू जी का, जो लिखते हैं कि सर जी अगर ये एक बार सब स्टार्ट हो जाएगा तो पेमेंट देना, तो क्या बाद में फिर ऐसी प्रॉब्लम होगी कि नहीं? सर आप ऐसा बात कर रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा ये बताइए, तो भाई ये तो हम नहीं बता सकते हैं। अब जैसे जैसे जो चीज आता है उसके बारे में मेरा काम है नॉलेज देना, अब भविष्य बताना तो मेरा काम नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट द स्टाफ ऑफ द कंपनी, हम कंपनी का स्टाफ तो है नहीं, अंदर का कोई चीज तो हम है नहीं भैया, कि मैनेजमेंट तो हम है नहीं कि हम आपको बता दें कि भविष्य में क्या होगा, ऐसा होगा कि नहीं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन एक बात तो तय है कि जो भी होगा उसका नॉलेज आपको मैं जोड़ दूंगा, उसका न्यू अपडेट जो भी आएगा वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा, ये आप निश्चिंत रहिए। तो थैंक यू वेरी मच PN बिट्टू जी कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट है रोहित सिंह जो लिखते हैं कि फेक है। गौरव कुमार जी लिखते हैं कि अकाउंट डिलीट करवा दिया हूं सारे फ्रेंड्स का, अच्छा किए हैं सर। रोहित सिंह जी, अगर आपको ये लगता है कि फेक है तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप बटन दबा दीजिए, बाहर निकल जाइए,
बटन दिया है ना, अभी बटन दबाइए, बाहर निकालिए। क्यों आप यहाँ पे हैं, इस फेक चीज पे आप क्यों हैं, मत रहिए, मैं आपसे यही बोलूंगा सर। ठीक है ना। और गौरव कुमार जी हैं, अकाउंट डिलीट करवा दिए हैं सारे फ्रेंड्स का। अच्छा किए हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया किया है। जब फेक है तो डिलीट करवाना में ही भलाई, आपने तो भलाई किया है, आपने जो जितने भी लोगों का अकाउंट डिलीट करवाया है, तो थैंक यू वेरी मच सर, अच्छा काम किया है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सर, झुका के नमस्कार करता हूँ आपको, थैंक यू वेरी मच। कमेंट करते रहिएगा ऐसे ही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अलग कमेंट हो। MLM प्रीत सिंह जी हैं जो लिखते हैं कि सर आपको कैसे पता ये कंपनी रियल है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां आई और चली गई, आपको कंपनी से मैसेज मिलता तो सभी लोगों को विश्वास होगा, नहीं तब इतने अभी तक कंपनी ने अपने इंडिया का किसी भी पर्सन को पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, ये तो बस ऐसे दूसरे को देख कर ही पॉजिटिव हो रहे हैं। देखिए MLM प्रीत सिंह जी, जो एक्टिविटी ये 5 बिलियन सेल्स कर रहा है, ये साबित करता है कि ये रियल है, क्योंकि अगर ये रियल नहीं होता तो इसको क्या मतलब था ये सब करने का। आप फेसबुक है, गूगल है, आपने देखा है फेसबुक पे बहुत फेक अकाउंट रहता है, तो फेसबुक को क्या पड़ा है उस अकाउंट के पीछे भागना, उस अकाउंट के पीछे फेसबुक को क्या जरूरत पड़ा है अपना एनर्जी खर्च करना, एनर्जी और पैसा खर्च करना। अरे आओ भाई, हमको थोड़ी पेमेंट देना है तुमको कि हमको चिंता करना है, जो आओ वेलकम है। लेकिन रियल ये जो 5 बिलियन सेल्स है इसलिए है ताकि आप देखिए ये फेक वालों को बाहर निकाल रहा है, क्योंकि इसको पेमेंट देना है, ठीक है। और जब ये मतलब प्रॉब्लम कोई आता है तो ये देखते हैं ना रजिस्ट्रेशन बंद कर देता है। कभी आपने सुना है कोई फेक कंपनी रजिस्ट्रेशन बंद करता है? फेक कंपनी जानते हैं क्या करता है, वो डेट को बढ़ाते चला जाता है, भैया आप रजिस्ट्रेशन करते रहो, फलाने तारीख को पैसा देंगे, चिलाने तारीख को देंगे। ऐसा कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन ऐसा कंपनी के बारे में नहीं सुना होगा कि जिसने रजिस्ट्रेशन ही बंद कर देता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो दरवाजा ही बंद कर देता है। तो कोई कर सकता है क्या, फेक कंपनी ऐसा कर सकता है, खुद सोचिए। तो यही विश्वास दिलाता है इसको। और बहुत रीजन है, यही नहीं है, लेकिन ये मेन रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना सर। तो थैंक यू वेरी मच MLM प्रीत सिंह जी कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आ रही बात की डायरेक्ट वहां से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, सही बात है, तो डायरेक्ट क्यों हमको मिलेगा सर, हम कोई स्टाफ तो है ना, यहाँ बड़े बड़े जो लीडर हैं उनको मिलता है और उन्हीं के माध्यम से नीचे इन्फॉर्मेशन आता है, हमको डायरेक्ट थोड़ी मिलता है, सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन जो मिलता है सटीक मिलता है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मिलता है मुझे पता चलता है, तो बाद में वही चीज ऑफिशियली आता भी है 5 बिलियन में। तो जाहिर सी बात है कि लीडर को पहले मालूम चलता है, कंपनी बोलता है जो सीनियर मोस्ट लीडर है, ठीक है सर। तो थैंक यू वेरी मच MLM प्रीत जी सिंह जी कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट है वो है शुभम खेसारी जी का, जो लिखते हैं कि सर सब पता है लेकिन एक बात है, टाइम तो सर बहुत लगेगा सेल डाटा करने में, आप जो भी कहिए ये सब अच्छे होने में बहुत टाइम लगेगा, अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होते रहेगा, ये रियल कंपनी है। सर देखिए आपका क्या बोलना है, मैं तो समझ नहीं पाया उतना, लेकिन बस मैं यही समझ रहा हूँ कि आपका मिली जुली जो है, आपका जो है सहमति है, मिली जुली जो है आप विचार है 5 बिलियन सेल्स को लेकर, तो अच्छी बात है। और जब पैसा आपको मिलेगा उस दिन पक्का आपका ये विश्वास बढ़ जाएगा, यकीन में बदल जाएगा, ठीक है सर। तो मैं बस यही प्रार्थना करूंगा कि 5 बिलियन सेल्स सभी लोग को पेमेंट दे, जो लोग रियल है, जो लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर कमेंट करने के लिए, शुभम जी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हैं दोस्तों, शुभम जी ही हैं जो लिखते हैं कि गुड सर इन्फॉर्मेशन, लेकिन सर अभी पैसा नहीं देगा, बहुत टाइम लगेगा, देगा जरूर लेकिन बट वेट करना होगा। जाहिर सी बात है सर, वेट तो करना ही होगा, अब कहीं भी आप काम करने जाते हैं तो पैसा तुरंत मिलता है क्या, आपको 1 महीना काम करना पड़ता है, तो जरूरी नहीं कि 1 महीना पेमेंट मिल ही जाए, 1.5 महीना पेमेंट मिल सकता है। तो कहने का मतलब ही काम कीजिए, पेमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है सर। तो वेट तो करना ही पड़ता है, हर हाल में करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच शुभम जी कमेंट करने के लिए, यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते दोस्तों, और जो कमेंट है राजन शर्मा जी का है, जो लिखते हैं कि सर डेट ऑफ बर्थ किस तरह 5 बिलियन सेल्स में डालना है, इस तरह डालना है, रिप्लाई कीजिए। हाँ सर इसी तरह डालना है, आपने जिस तरह से लिखा हुआ है 01/01/2003, बस यही इसी फॉर्मेट में डालना है दोस्तों। आप लोग देख लीजिए, राजन शर्मा जी ने यहाँ बहुत अच्छा लिखा है, ये इसी फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ डालना है, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ आता है तो ऑप्शन। तो थैंक यू वेरी मच राजन शर्मा जी यहाँ पे लिखने के लिए, सभी लोग को आपके माध्यम से पता भी चल गया, थैंक यू वेरी मच कमेंट करने के लिए। आगे हैं दोस्तों, डेविल जी हैं जो लिखते हैं कि ID ओपन हो गई या नहीं, होगा या नहीं, कितने दिनों से लॉक है, क्या कंपनी स्कैम करना कर रहा है क्या? सर स्कैम तो नहीं कर रहा है, ठीक है ना, समय लग रहा है, ये जो प्रक्रिया कर रही है, ये जो फ्रॉड लोगों को बाहर निकाल रहा है, 12 लाख लोग फ्रॉड है, तो ये इसमें लगा हुआ है सर, समय लगता है, ठीक है, फ्रॉड नहीं कर रहा है, स्कैम नहीं कर रहा है। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का यहाँ पे कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट हुआ है
उद्धव उद्धव रामटेक जी का जो लिखते हैं कि मेरा इंटर कोड कॉपी के जगह ओके हो गया है, तो मेरा इंटर कोड भरा नहीं, कैसे करें सर, मेरा मेहनत बेकार जाएगा। सर एक चीज मैं बताता हूं, आप लोग गलती क्या करते हैं, जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं उसको पूरा देखते नहीं है। अगर आप पूरा देखेंगे तो आपसे गलती होगा नहीं, या फिर आप वीडियो देखते हैं पूरा तो आपका दिमाग कहीं और रहता है, अब वीडियो चलते रहता है। अगर आपने देखा होता तो साफ साफ वहां पे मैंने कॉपी करके दिखाया है, और कॉपी करना बहुत आसान है, वहां पे बस ऑप्शन पे दबाना, आपने ओके पे दबा दिया है तो ओके में तो खत्म हो जाएगा, स्क्रीनशॉट तो आपने लिया नहीं होगा। तो सर अब आपको एक ही चारा बचा हुआ है, आपको सपोर्ट में जाके लिखना पड़ेगा कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, क्योंकि आगे जो भी करेगा वो कंपनी करेगा, हम लोग क्या बताएं। ठीक है सर, तो सपोर्ट में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच सर जी कमेंट करने के लिए, यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम जी हैं जो लिखते हैं कि श्याम एडीबी जी है जो लिखते हैं कि 5 बिलियन पैसा देना शान शान नहीं, जब जबरी किसका ना नहीं, पूरा फालतू स्कैम कंपनी, ऐसा होता रूल शुरू होने से सब कुछ हो गया, रूल्स घटते लगाते रूल्स तोड़ते, 5 ओके बाबा फ्रॉड, बड़ा फ्रॉड। देखिए श्याम जी मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ आप जो यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन बस इतना ही समझ पाया हूँ कि आपने जो भी लिखा है कंपनी के बारे में यहाँ पे बैड ही लिखा है, मतलब स्कैम फ्रॉड यही लिखा है आपने। तो सर ये आपका नजरिया है, बिल्कुल सही है, आपका नजरिया को मैं कैसे मना कर सकता हूँ, लेकिन मेरा नजरिया कुछ और कहता है। तो हर किसी का अपना नजरिया है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप कंपनी से निकल सकते हैं, कंपनी ने तो ऑप्शन दे रखा है। अगर हम ये बोलते हैं यहाँ पे कि फ्रॉड है तो हम फालतू बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे कंपनी ऑप्शन दे रखा है कि आप बाहर जा सकते हो, यू कैन गेट आउट, आप यहां से बाहर जा सकते हो, दरवाजा आपका है, बस दरवाजा कुंडी खोलना है, बाहर निकलना है। तो फिर बोलने से क्या फर्क पड़ता है, क्यों आप बोल रहे हैं फ्रॉड है, आप बाहर निकल जाओ ना सीधे, ठीक है ना सर। तो मुझे पता है कि आप दोनों मजा लेना चाहते हैं, फ्रॉड भी बोलते हैं, जब पैसा आएगा तो लेना भी चाहते हैं, मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं है, वेलकम है सर आपका, दोनों का कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट राजन शर्मा जी का जो लिखते हैं कि सर मेरा फॉर्म तो ओपन ही नहीं हो रहा है, क्यों राजन शर्मा जी क्यों नहीं ओपन हो रहा है, हो सकता है इंटरनेट आपका स्लो हो, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा, जब तक मैं उस चीज को नहीं जानूंगा मैं कैसे कर दूं, क्योंकि सभी लोग का यहाँ फॉर्म ओपन हुआ है, आपका सिर्फ नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ उसमें रीजन होगा, तो आप या तो मुझे बताएं कि क्या रीजन है, व्हाट्सएप पे मुझे बताएं, चूंकि आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं तो वहां पे आप बता सकते हैं, वैसे तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूं, तो प्लीज वहां पे व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच राजा शर्मा जी कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे है एम शकीर इकबाल पलासर, सॉरी यहाँ पे पालसरा, सॉरी सर मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन एम शकीर इकबाल जी हैं जो लिखते हैं कि मेरा कोड कॉपी बराबर नहीं हुआ है। सर बराबर मतलब क्या होता है, अरे कॉपी आपने किया तो जितना है सब कॉपी हो जाएगा, उसमें बराबर छोटा बड़ा है क्या है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, कॉपी पे आपने क्लिक किया होगा सारा चीज कॉपी हो गया, आपको सिर्फ मन में डाउट हो गया, डाउट निकाल दीजिए, सारा चीज कॉपी हो गया। ठीक है ना सर, थैंक यू वेरी मच आप दोनों का कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला जो कमेंट होगा कमलेश जी का जो लिखते हैं कि ओके सर जी जिस तरह आपने वीडियो में बताया है उसी तरह मैंने किया है और अपनी आईडी में ओके सर, थैंक यू वेरी मच कमलेश जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला जो कमेंट हुआ है प्रदीप जी का जो लिखते हैं कि क्या लिखना है जी, मतलब नीचे से मैं पढ़ता हूँ, देखिए प्रदीप जी लिखे हैं कि सर मेरा नाम आधार में प्रदीप कुमार प्रजापति है, क्या लिखना है जी। तो सर मैं यही कहूंगा कि आपने फॉर्म भरते वक्त क्या लिखा था जी, रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपने क्या लिखा था जी, प्रोफाइल में आपने क्या भरा था जी। तो भैया जो आपने भरा है वही आपको भरना पड़ेगा, क्लियर है, जो आपने भरा था वही भरना पड़ेगा, अब आप क्या भरे थे वो हमें बता दीजिए। ठीक है सर, तो प्लीज आप ही जानते हैं आपने क्या भरा था, ईमेल आईडी में चेक कर लीजिए आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या है, ठीक है, क्योंकि वही भरना पड़ेगा जो आपने भरा था, एक्स्ट्रा नहीं भर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच कमेंट करने के लिए, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप प्रजापति जी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला जो कमेंट है वो है दोस्तों यहाँ पे संदीप गेमर जी हैं जो लिखते हैं कि सर यूजर नेम में पहला स्पेलिंग बड़ा डाले कि गया कि क्या करें। सर ये भी कोई पूछने वाली बात है सर, यूजर नेम में कभी बड़ा स्पेलिंग नहीं होता है, हमेशा स्मॉल लेटर होता है और बीच में स्पेस नहीं होता है, ना स्पेस ना बिग लेटर, आपको स्मॉल लेटर ही लिखना पड़ता है, क्लियर कर लीजिए। तो ये सवाल ही नहीं आप पूछना चाहिए था आपको कि सर बड़ा लिखें कि छोटा लिखें, स्मॉल मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि यूजर आईडी हमेशा स्मॉल लेटर में होता है, ठीक है सर, तो स्मॉल ही होगा। थैंक यू वेरी मच आपका कमेंट करने के लिए संदीप जी, थैंक यू वेरी मच। फिटनेस एंड हेल्थ जी हैं जो लिखते हैं कि सर मेरा हो गया है लेकिन कोड कॉपी नहीं हुआ है, रिकवरी हो गया है लेकिन कोड कॉपी नहीं हुआ, तो क्या फायदा हुआ सर,
आपने कॉपी ही नहीं किया कोड को, तो आगे कैसे काम कर पाएंगे, क्योंकि जब स्टेप टू आएगा तो यही आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि आपका ताला लगा रहेगा और ये आपका चाबी है, ये कोड। तो भैया ये कोड चाबी है, तो आपके पास वो चाबी ही नहीं रहेगा तो आप ताला कैसे खोलिएगा, तो स्टेप टू आप कैसे कंप्लीट कर पाइएगा, सोचने वाली बात है। तो भैया क्या कीजिएगा, मैं क्या बताऊं, कॉपी आपने क्यों नहीं किया, गलती तो आपकी है, मिस्टेक तो आपसे हुआ है। तो अब तो सोल्यूशन की बात कीजिए, सोल्यूशन यही है कि आप सपोर्ट को मेल कीजिए, और कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के बस में नहीं है सर, हम लोग से कंट्रोल से बाहर का चीज है, तो आप वहां पे मेल ही कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। थैंक यू वेरी मच फिटनेस हेल्थ जी कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल कुमार जो लिखते हैं कि सर मेरा कोड नहीं आया, ऐसा तो हो नहीं सकता है सर, कोड नहीं आएगा, जरूर आया होगा, कोड क्यों नहीं आएगा, सभी लोग को आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा सर, क्योंकि प्रॉब्लम तो आप लोग बताते नहीं हो, प्रॉब्लम आप लोग नहीं बताते हो कि इस तरह से हो गया है सर, ये हो गया है सर, नहीं यहाँ पे सर ऐसा नहीं हुआ, तो भैया कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, सभी लोग को तो नहीं हो रहा है सर। खैर अब क्या हुआ है आप ही बताएंगे राहुल जी, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा तभी मैं जान पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच कमेंट करने के लिए आप तीनों को, यहाँ पे थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट है संदीप जेमन जी है, जो लिखते हैं, देखिए बीच में कॉल भी आ रहा है, सर यूजर नेम पर पहला स्पेलिंग बड़ा हो, चलिए ये तो हो गया, आपने तो अपना कोड शो कर दिया। अच्छा ये देखिए जाम जाम जी है जो लिखते हैं, जैम जैम जी है जो लिखते हैं कि सर आपने तो अपना कोड शो कर दिया। सर मैंने कोड शो नहीं किया है, आपको मालूम नहीं है कि जो डॉट डॉट जो दिया हुआ है ये भी है लिखा हुआ, तो जब तक आप पूरा नहीं जान लिखेंगे जान पाएंगे कैसे पूरा कंप्लीट हो पाएगा, इतना से तो कुछ होगा नहीं। सर मैंने तो ऑलरेडी वहां पे हाइड रखा था, मुझे पता है जब मैं फॉर्म वहां पे पेस्ट किया था चेक करने के लिए, तो आपने वही यहाँ पे देखा कि सर ने तो यहाँ पे ये कर दिया है, लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं कि वहां पर पूरा कोड नहीं आता है, कोड बहुत बड़ा है। और अभी आगे भी लिखते हैं कि कुछ को नहीं लिखा, आप ये वीडियो डिलीट कीजिए, डिलीट करने के लिए मुझे बोल दिया, लेकिन सर बता दूं वो कोड मैंने वहां पूरा नहीं आया है। तो थैंक यू वेरी मच कमेंट करने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू, धन्यवाद। आगे हैं दोस्तों सुनीता जी हैं राठौर जी, सुनीता राठौर जी जो लिखते हैं कि सर कोड डिलीट हो जाए तो क्या करें, सपोर्ट को मेल कीजिए और कोई उपाय नहीं है सर। आशा राय जी हैं जो लिखते हैं कि मैं कोड सेव करके रखना तो भूल गया, अब क्या होगा सर प्लीज बता दीजिए। आशा राय जी अब तो कोड नहीं आप मतलब रखी है, तो जाहिर सी बात है सपोर्ट को मेल ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोड तो अब कहाँ से आएगा, वो वन टाइम आता ही है, एक ही टाइम आता है, तो अब तो सपोर्ट को मेल कीजिए और कोई उपाय नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच कमेंट करने के लिए आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो कमेंट हो रहा है मंडल जंपा जी का जो लिखते हैं कि सर कोड कॉपी कर का नहीं रखा, क्या करूं प्लीज सर बताइए, सब लोग का ये प्रॉब्लम आ रहा है सर, मतलब क्या आप लोग को हो गया यार, मतलब इस तरह से क्यों आप लोग इतना जो है इरिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, कोड को कॉपी भी नहीं कर सकते हैं, अब नहीं किया है तो भैया आपको मेल करना पड़ेगा सपोर्ट को, और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उसका कोई रिकवर का चांस ही नहीं है, वन टाइम बोला था, वन टाइम तो बोला ही था। तो प्लीज आप यहाँ पे कमेंट खत्म हुआ, लेकिन जितने लोगों का यहाँ पे कोड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कोड कॉपी नहीं हुआ है, कोड आया नहीं है, कॉपी कर लिए हैं उसको जाके कहीं पेस्ट नहीं किए, सेव नहीं किए हैं, इस तरह का प्रॉब्लम है, तो आप लोग सपोर्ट को मेल कीजिए, नहीं तो सीनियर से फिर बात करना ही पड़ेगा जो मोस्ट सीनियर है, और तो कोई उपाय नहीं, मेरे बस में तो सर नहीं है, मैं झूठ क्या बोलूं, मेरे बस में जो रहेगा वही मैं कर सकता हूं, मेरे से बाहर है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, सीनियर से मैं बात करूंगा, होगा तो उस पर मैं वीडियो बना सकता हूं, यही कर सकता हूं, ठीक है। तो आप लोग का प्रॉब्लम में बात करूंगा क्या हो सकता है, उसके बाद मैं फिर वीडियो बना दूंगा। चलिए फिलहाल सर वीडियो तो अभी नहीं है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वीडियो क्या लाऊंगा, जैसे इन्फॉर्मेशन आएगा वीडियो बना दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज बताइएगा जरूर कमेंट में लिख करके, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपका जो रिप्लाई हमने दिया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यही कहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि ऐसा ही वीडियो जब मैं डालू अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। इस वीडियो का स्वागत करते हैं, जय हिंद जय भारत, जय की बोर्ड 91.5 बिलियन.com, जय।